इस वीडियो में आप दो थ्री पीस सूट का रिव्यू देखेंगे जो कि मैंने ग्लो रोड से लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत से ये ड्रेस मटेरियल हैं, थ्री पीस सूट हैं, टॉप दुपट्टा और बॉटम तीनों ही हमें इनके साथ मिल जाता है। तो पहला वाला जो सूट है ये कॉटन मटेरियल में है, ये है इसकी टॉप का कपड़ा। ये सूट मैंने 400 रुपीज़ में लिया है ग्लो रोड से, जो कि अमेज़ोन का ही रीसेलिंग ऐप है। तो ये जो टॉप का कपड़ा है ये जैम कॉटन है, इसका मटेरियल हैवी वाली कॉटन है, मोटी कॉटन है, ये बिल्कुल पतली कॉटन नहीं है जैसे कि हमारी नॉर्मल वाली कॉटन होती वैसे नहीं है। इसका जो ये कॉटन का मटेरियल है ये टॉप का, ये मोटा वाला कॉटन है और ये गर्मियों से ज़्यादा सर्दियों में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है, थोड़ा सा मोटा होता है तो पहनने में। कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है और स्टिच करने के बाद ये सूट बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जैसे कि ये जैम कॉटन है और फ्रंट पर इसकी पूरी ही जो है वाइट कलर के धागे की एम्ब्रॉयडरी है। ये है इसकी बैक साइड और बैक साइड पर ही साइड से ही जो है हमारे स्लीव्स निकलेंगे। 42 इंच की जो है लंबी इसकी कुर्ती बनेगी, इसका फ्रंट तैयार जो है 42 इंच का है। ये है इसकी बॉटम का शलवार का कपड़ा जो कि 2 मीटर दे दिया गया है। ये जो नॉर्मल कॉटन होती है ये वो वाला मटेरियल है, टॉप का मटेरियल अलग है और बॉटम का मटेरियल अलग है, कॉटन ही है, कॉटन मटेरियल में ही ये बॉटम का कपड़ा है, 2 मीटर का कपड़ा है। शलवार आसानी से बना सकते हैं और कंफर्टेबल है, कपड़ा नरम है, सॉफ्ट है, पहनने में आरामदेह है और 400 रुपये की रेंज के हिसाब से हमें जो कपड़ा मिला है उसकी क्वालिटी अच्छी है। दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है, इसका दुपट्टा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, सॉफ्ट सा मटेरियल है, कॉटन और सिल्क का मटेरियल है और ये बिल्कुल भी सरकने वाला या लुढ़कने वाला कपड़ा नहीं है, आसानी से पहन सकते हैं, इसे सर पर ओढ़ सकते हैं। ठहरने वाला दुपट्टा है, लुढ़कने वाला कपड़ा नहीं है इसका। किनारियों पर हमें पीको करके दे दी गई है और जो इसके कलर है बहुत ही खूबसूरत से वाइट और डार्क ग्रीन कलर में जो है इसका डाई हुआ दुपट्टा है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम मुलायम इसका कपड़ा है, ये मटेरियल बहुत अच्छा है और 2 मीटर की इसकी लंबाई हमें मिल गई है, चौड़ाई आप देख सकते हैं कितनी बड़ी थी इसकी। और दुपट्टे की भी कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, सॉफ्ट है, मुलायम है, पहनने में आरामदेह है। दूसरा वाला जो सूट है वो भी मैंने ग्लो रोड से ही लिया है और ये मैंने 650 रुपये में कुछ लिया था ग्लो रोड से, लेने के बाद इसकी कीमतें कम हो गई थी तो 650 के हिसाब में जो है पहले टॉप का कपड़ा देख लेते हैं हम किस तरीके से मिला है हमें। थ्री पीस सूट है और अस्तर वाला सूट है और ये चंदेरी कॉटन मटेरियल है, तो चंदेरी कॉटन मटेरियल में फिर अस्तर भी हमें दे दिया जाता है बॉटम के कपड़े के साथ। तो ये है इसकी टॉप का कपड़ा, चंदेरी कॉटन जो है टॉप का मटेरियल है, गले पर जो है ये इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है गोल्डन कलर की, जर का जो धागा होता है उससे, और पूरे ही टॉप पर छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हैवी वाला सूट नहीं चाहिए था तो मैंने ये हल्की सी एम्ब्रॉयडरी दिखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ज़्यादा वज़न भी नहीं होते हैं और दिखने में भी थोड़े से सिंपल और सोबर अच्छे लगते हैं। तो नीचे जो है ये इसकी बॉर्डर बनी हुई है और नीचे भी जो है इसकी जर की ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है बॉर्डर पर भी, और दोनों साइड पर जो लेस है वो लेस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है इसकी एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से। चाहे तो हम सिलवाते वक्त इसकी लेस चेंज कर सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी गोल्डन कलर की दूसरी लेस इसमें लगा सकते हैं। कपड़े की क्वालिटी अच्छी है। ये है इसकी बैक साइड, तो अस्तर का कपड़ा तो हमें दिया गया है और बैक साइड से ही हमारे स्लीव्स बनेंगे। कुर्ती की लंबाई जो है वो 44 से 45 के करीब बनेगी, लंबी कुर्ती इसकी बनेगी क्योंकि फ्रंट की जो एम्ब्रॉयडरी है वो आड़े कपड़े में दे दी गई है, खड़े में नहीं दे दी गई है। खड़े का अगर हिसाब देखते हैं हम तो कपड़े की लंबाई कम है, लेकिन आड़े की वजह से जो है इसकी कुर्ती हमारी लंबी बनेगी। ये है इसकी बॉटम का और अस्तर का कपड़ा, तो 650-650 रुपये के हिसाब से जो मुझे अस्तर का कपड़ा मिला है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये अस्तर का कपड़ा बहुत ही ज़्यादा हल्की क्वालिटी का इसका अस्तर का कपड़ा है, अगर सिर्फ ये अस्तर में लग जाता तो हम इसे कुर्ती का काम चला सकते थे, लेकिन इसमें हमें बॉटम भी तैयार करनी है और इतने हल्के कपड़े की अगर हम इसकी शलवार या बॉटम बनाते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि स्टिच करते वक्त 1 से 2 सिलाइयाँ जब मैंने खोली तो ये कपड़ा जो है अपने धागे छोड़ रहा था और फटने के करीब आ रहा था। तो टॉप बहुत खूबसूरत है, अगर बॉटम का कपड़ा अलग से लेकर अगर हम इसमें स्टिच करवाते हैं तो ये सूट बहुत अच्छा बन जाएगा। अस्तर का कपड़ा लगने के बाद ये टॉप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, शैंटून मटेरियल है अस्तर का और बॉटम का, 3.5 मीटर का जो है हमें टोटल कपड़ा दे दिया गया है अस्तर और बॉटम दोनों के लिए। ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टे का जो मटेरियल है वो भी चंदेरी कॉटन है, पूरे ही दुपट्टे पर एम्ब्रॉयडरी वर्क है गोल्डन कलर के धागे से, चारों ही साइड पर किनारियों पर लेस लगी हुई है गोल्डन कलर की जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। अगर सूट को अच्छा थोड़ा सा हैवी बनाना चाहते हैं तो इसके लेस निकाल कर हम दूसरी लेस लगा सकते हैं इसके दुपट्टे में, और ये चौड़ी बॉर्डर बनी हुई है बीच में, इस तरीके से बॉर्डर दे दी गई है दुपट्टे के। दुपट्टे के कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और पहनने में भी आरामदेह है, हम सर पर भी आसानी से इसे ओढ़ सकते हैं। 2 मीटर की लंबाई और चौड़ाई आप देख सकते हैं, और ये स्टिच हो जाने के बाद किस तरीके से दिखाई देता है ये आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। और दोनों ही जो सूट हैं उसके प्रोडक्ट कोड जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से चेक कर सकते हैं।